सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, वे विशेष पुण्यात्मा जीव होते हैं जो भगवान की सेवा, शोभा, श्रृंगार, सजावट और उन्हीं के सौंदर्य और उन्हीं के श्रृंगार आदि में अपने को समर्पित रखते हैं। पूरा का पूरा मन भगवान की सेवा में समर्पित होता है और उनसे भी अधिक वो पुण्यात्मा होते हैं जो तुमते अधिक गुरु ही दिए जानी, सकल भाई सेवहिं सन्मानी। महाराज वाल्मीकि जी ने कहा है भगवान श्री राम से कि तुमसे भी ज़्यादा प्रभु, तुमसे भी ज़्यादा अपने गुरु को बहुत प्रेम से, हृदय से तुमसे भी ज़्यादा समझकर, जानकर, हर प्रकार से सेवा शुश्रूषा करते हुए उनको सुख पहुँचाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ऐसे ही महान भक्त थे श्री पीपा जी। यद्यपि पीपा जी का चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ, किंतु भगवान गुरुदेव भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के विषय में जो बातें पीपा जी के माध्यम से प्रकट हुई वो इतनी आवश्यक हैं, इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उसको मैं अलग से आपको सुना रहा हूँ। पीपा जी के चरित्र को तो सुना चुका, लेकिन अब पीपा जी के माध्यम से गुरुदेव भगवान और राम जी का रहस्य और सीता तत्व का रहस्य जो प्रकट हुआ वो आप श्रवण कर रहे हैं। मैं कल बतला रहा था आपको कि इतना प्रेम से पूरा राज परिवार समर्पित हुआ था गुरुदेव भगवान की सेवा में, एक बहुत सुंदर उपवन के मध्य में महाराज जी का डेरा डाला गया था, जहाँ बहुत अद्भुत सौंदर्य था, प्रकृति का ऐसा दृश्य था कि देख देख कर साधु महात्मा लोग आनंद विभोर थे। पक्षीगण विभिन्न ध्वनियों के साथ स्वागत कर रहे थे महाराज जी का। भ्रमर गुच्छों पर फूलों के बैठे हुए गुंजन करते थे। पत्ते सुंदरात सुंदर फूल अधिक से अधिक आकर्षक वो आप कल श्रवण कर चुके हैं। और वाटिका के बीचों बीच में जो निर्मल सरोवर था उनमें रंग रंग के कमल खिले थे, ऐसा नहीं कि एक ही तरह का कमल। और महाराज सारस पक्षी, हंस पक्षी जल में तैरते थे, उड़ते थे, सुंदर पंख चमकाते हुए कूदते थे और संतों के कीर्तन के मृदंग की ध्वन सुन करके मोर पंख फैलाए हुए खूब नाचते थे। ऐसा नहीं कि एक मोर, पता नहीं कितने मोर एक साथ शंख की ध्वनि, मृदंग की ध्वनि सुनकर नाचते थे। और गुरुदेव भगवान के जो निवास की शोभा थी उसको और बढ़ा देते थे। संतों को लगता था कि हम साक्षात जैसे वैकुंठ में ही आ गए। और आचार्य भगवान के दर्शनार्थ राजस्थान के बड़े बड़े राजा लोग, जो भक्त लोग थे राजा, वो आते थे। बड़ी भीड़ होती थी, संत लोग पधारते थे और सबको दर्शन देकर प्रभु ने उपदेश भी दिया था। उस सभा में उच्चासन पर गुरुदेव को विराजमान करके पीपा जी सबके हितार्थ अपने प्रेम की उमंग रोकते हुए एक दिन बोले गुरुदेव भगवान से, हे दयामय गुरुदेव, आप परम तपोमय तेजोमय हैं, कृपा करके मुक्ति का उपाय और मुक्ति का स्वरूप क्या है
सो समझाइए। भक्तों, जैसे बछड़ा जब प्यासा होता है ना, तो उसकी प्यास और भूख देख करके गैया दूध ज़्यादा देती है, ऐसे ही प्रेमी की प्यास देख करके गुरुदेव भगवान का ज्ञान ज़्यादा प्रकट होता है। गीता जी के लिए भी कहा गया ना, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, पार्थो जो है वत्स हैं, सुधीर लोग भोक्ता हैं, और भगवान कृष्ण दोहन करके सभी उपनिषद रूपी गायों का अमृत पिलाए थे। ऐसे ही समझिए, गुरुदेव भगवान ने जब पीपा जी की भक्ति देखा है, प्रेम देखा है, जिज्ञासा में प्रेम भरा हुआ था, तो प्रसन्न होकर बोले, बोले इस रहस्य को सावधान होकर सुनो और सभी लोग श्रवण करो। श्री साकेत लोक ही अविनाशी और आनंदमय श्री राम जी का निज धाम है, वहां जाने पर फिर कोई लौट करके नहीं आता। अब आप लोग ये समझ लेना कि लौट कर नहीं आने का मतलब कर्म बंधन से लौट के नहीं आता, लेकिन भगवान जैसे आते हैं पृथ्वी पर, ऐसे भगवान के पार्षद भी आते हैं, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। सामान्यतया जीव अपने कर्म बंधन से लौट लौट के आता, वो बात नहीं है। उस साकेत लोक अर्थात भगवत लोक, भगवान की उस लोक की बात बता रहे हैं गुरुदेव भगवान, कि वहाँ सदा प्रभु की सेवा का आनंद मिलता है। सेवा का आनंद तो भाई भक्त लोग ही समझ सकते हैं, वो लोग नहीं समझ सकते हैं। सब लोग प्रलय में नष्ट हो जाते हैं, पर साकेत प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। भगवान का धाम प्रलय में थोड़े नष्ट होता है, साकेत में जाना ही मुक्ति कही जाती है। अब आप ये समझिए, ये भक्त लोगों की मुक्ति की बात की जा रही, मैं ज्ञानी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि अद्वैत ज्ञानी की मुक्ति जो सायुज होती, जिसे कैवल्य बोलते हैं, उसकी बात यहाँ नहीं की जा रही। मैं ये बता रहा हूँ कि जो सगुण उपासक मोक्ष ले ही तिनके राम भगत निज दे ही, तुलसीदास जी ने कहा है, तो वो सगुण उपासक जो प्रभु के विशेष प्रेमी हैं, वो मुक्ति तो प्राप्त करते हैं। राम भजत सोई मुकुत गोसाई अन इच्छित आवय बरियाई, राम की भक्ति से न चाहने पर भी मुक्ति मिलती है, तो वो मुक्ति कौन सी होती है, बतला रहे हैं गुरुदेव भगवान कि साकेत में जा करके जो पहुंच जाता है वो मुक्ति उसके लिए होती है, वही मुक्ति है भक्त की। जैसे अन्न गेहूं आदि को भून डालने पर फिर बोने से अंकुर उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही भक्त का फिर जन्म नहीं होता है। और मुक्ति के लिए उपाय क्या होता है भक्तों, ये भी गुरुदेव भगवान ने कहा है। उन्होंने कहा कि श्री राम जी का कथा रूपी अमृत रोज पान करो। देखो भक्तों, जब भगवान के कथा अमृत का पान करोगे आप, तो उसमें भक्त जरूर आएंगे, क्योंकि भक्त और भगवान साथ रहते हैं। भगवान के पार्षदों की चर्चा होगी, भगवान के भक्तों की चर्चा होगी, भगवान की चर्चा में ये सब शामिल रहते हैं। तो भक्त भगवंत कथा रूपी अमृत रोज पान करो, नियम से, कभी छूटना नहीं चाहिए, और प्रेम से श्री राम नाम कीर्तन करो, सर्वदा श्री राम रूप का स्मरण करो। ध्यान तुमसे नहीं बनता है, आंख बंद करके ध्यान कर सकते हो तो ध्यान करो, नहीं तो प्रभु को याद करते रहो, स्मरण करते रहो, हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, हमारे ठाकुर जी भक्तों के बीच में ऐसे बैठे हुए हैं, भक्त फला फला भक्त के साथ ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं, ये स्मरण की बात हुई भक्तों। जब आप प्रभु के स्मरण में लग जाओगे ना, तो उसमें आपका भी प्रवेश हो जाएगा उनकी सेवा में।
प्रभु का चित्र या प्रभु का श्री विग्रह रख करके सेवा आसानी से होती है। आप ही मत समझना कि ये पहली सीढ़ी की भक्ति की बात की जा रही है। अरे नहीं भाई, वो लोग ना समझ होते हैं जो ये कह देते हैं पहली सीढ़ी की भक्ति है, अभी तो तुम्हारी शुरुआत है। अरे चित्रपट अर्थात भगवान की फोटो या भगवान का श्री विग्रह, ये पहली सीढ़ी की भक्ति नहीं है। पहली सीढ़ी की भी आप मान सकते हो शुरू शुरू में, लेकिन महाराज इनमें तो इतना ऊंची भक्ति है इनकी सेवा में कि मैं आपको गौरदासी का चरित्र सुना चुका हूँ। 1 घंटा 7 मिनट का चरित्र था वो, मैंने स्टेज पर सुनाया था गीता जयंती को, वो 2-4 दिन बाद आ गया था यूट्यूब में। तो वहाँ मैंने बतलाया था कि वो जो फोटो रहती थी माता के पास गौरदासी के पास, उसी फोटो में ही उसी चित्रपट में ही ठाकुर जी प्रकट होकर बात करते थे, लीला करते थे, सब सुख प्रदान करते थे, सुख लेते थे, देते थे। तो इसलिए चित्र या मूर्ति की पूजा आप प्रारंभिक साधारण बात मत समझ लेना। और यदि आप राम जी के अनन्य भक्त हैं तो जैसे अयोध्या जी में आपको मिल जाएंगे, तो वो लोग रामार्चा करते हैं, विशेष पूजा होती है प्रभु की, तो रामार्चा करो और कार्यक्रम बना करके प्रभु की वंदना भावपूर्वक निरंतर करो। अपने सब अभिमानों को त्याग करके प्रभु के दास बनो, तो वे दया के सागर हैं, वे प्रभु अपना सखा सदृश बना लेते हैं भक्त को। अपना सर्वस्व अर्पण कर प्रेम रस उनसे मांगना चाहिए, कोई भी संसार की वस्तु कभी नहीं मांगना। भक्त संसार की वस्तु नहीं मांगता है, परिवार कुटुंब रिश्तेदार नातेदार घर गृहस्थी व्यापार नौकरी ये सब की बात नहीं मांगता है भक्त। मैं उच्च कोट के भक्त की बात कर रहा हूँ। आर्त अर्थार्थी तो मांगते हैं कभी कभी, लेकिन अनन्य होते हैं, दूसरे से नहीं, प्रभु से ही मांगते हैं, दूसरे से नहीं। और बहुत ऊँचे भक्त जो होते हैं कुछ कुछ भी नहीं मांगते, भगवान से भी नहीं मांगते। अपना सर्वस्व अर्पण करके प्रेम रस उनसे मांगना चाहिए, प्रेम के अलावा और कुछ नहीं जब रह जाता है भक्तों, मांगने की बात प्रेम के अलावा और कुछ रह ही नहीं जाती भक्त के हृदय में। श्री राम जी के हृदय में महान कृपा भरी हुई भक्तों, अपने निज भक्तों को वे दुखी नहीं देख सकते, वे प्रेमी भक्त की आर्त पुकार सुनते ही फोटो में या श्री विग्रह में या उसके हृदय में या किसी भी दृश्य में प्रकट होकर दर्शन देते हैं। इनमें से किसी को आप कम मत समझना, स्वप्न के भी दर्शन की महिमा है, फोटो में प्रकट हो जाते हैं, श्री विग्रह में प्रकट हो जाते हैं, हृदय में प्रकट हो जाते हैं, सम्मुख झांकी देते हैं, वृक्ष में पेड़ पौधों में कुंज निकुंज में दर्शन देते हैं प्रकट होकर। सच्चे मन से जब कोई निष्काम भक्त उनकी शरण में आता है तो श्री राम जी उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, क्योंकि वो सदा प्रेम के अधीन है। जब प्रभु श्री राम जी रीझते हैं तभी अपना आनंदमय धाम दे देते हैं, वो भक्तों के लिए वही मुक्ति है। भक्तों, मैंने आपको पहले ही सावधान किया कि मैं सायुज मुक्ति जो कैवल्य पद जो भगवान में मिल जाने की बात है ना, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी शुद्ध भक्ति की ही बात कर रहा हूँ। और ये भगवान को बहुत प्रिय लगता है, अपने धाम में उसको बुला करके अपने साथ उसको ऐसे खेल में लेते हैं, खेलते हैं भगवान अपने प्यारे भक्त के साथ कि आनंद विभोर रहते हैं भक्त भी और भगवान भी। जगत का दुख तो बहुत पहले छूट जाता है, भगवान की उपासना करने से जगत का दुख मिट जाता है,
और फिर तो आनंद ही आनंद की बाढ़ आती है। भक्तों, जब इस मार्ग पर साधक बढ़ता है आगे, तो जगत के दुखों से तो मुक्ति पहले मिल जाती है, अर्थात मन से मुक्त, मन उस दुख से मुक्त हो जाता है। मैं प्रारब्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, ना शरीर के दुख की बात कर रहा हूँ। उसको शरीर का दुख दुख नहीं भासता है, संसार की विपरीत परिस्थितियाँ भी उसको दुखी नहीं कर पाती हैं, ऐसा ठाकुर जी संभालते हैं। पापों का नाश हो जाता है और जीव दिव्य रूप धारण करके जब परम धाम साकेत में जाता है, तो वहाँ प्रभु की दिव्य लीलाएँ देखते हुए प्रभु के चरण कमलों की सेवा करता है, रूप माधुरी का पान करता रहता है अपने सतृष्ठ नेत्रों से, और इस सरस और सुखद उपदेश को सुनकर महाराज सभा के सभी लोग जो थे गागरौनगढ़ में उस समय भगवान गुरुदेव के पास में, आचार्य रामानंद भगवान की जय जयकार बोलते हुए चरणों में दंडवत करके तब अपने घरों को जाते थे। इस प्रकार अधिकतर तो रोजाना ही कुछ देर सत्संग प्रवचन उपदेश हुआ करता था, जिसे सुनते लोगों के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाता था। श्री पीपा जी को जो आनंद प्राप्त हो रहा था, तो उसकी तो कोई उपमा ही नहीं, उनके तो आंखों से आंसू की धार चलती रहती थी, हृदय आनंद में डूबा रहता था। और भक्ति रूपी नदी उमड़ करके समझ लो उन भक्तों को डुबाती रहती थी प्रेम के समुद्र में, प्रेम के समुद्र में पहुंचा देती थी भक्ति की नदी। और जब श्री राम नवमी का दिन आया, तो उस दिन ऐसा पूर्व उत्सव हुआ कि जैसा त्रेता में दशरथ जी के भवन में हुआ था। संतों ने बड़ा सुंदर साज सजाया, गान होने लगा प्रभु के नाम और गुण का, बड़ा मनोहर गायन, बड़े ही प्रेम भरे हुए मृदु संगीत के साथ हो रहा था। ऐसा नहीं था कि कान फोड़ने वाला संगीत हो, कान फोड़ा संगीत नहीं, बड़ा मृदु, बड़ा मीठा, कानों को प्रिय लगने वाला, मधुर, सरस, सरल और आनंददायी संगीत के साथ प्रेम भरा हुआ गायन होता था नाम गुण का। और गुलाल उड़ रहा था ऐसा कि आकाश में बादल से लाल लाल छा गए, जैसे बादल छा गए हों ऐसे लाल लाल गुलाल। नगाड़ों की ध्वनि होती थी, लेकिन महाराज वो नगाड़े की ध्वनि भी ऐसी मीठी होती थी कि उसकी ध्वनि पर थिरक पड़ते थे चरण लोगों के और प्रेमाश्रु बहते थे। ध्वजा पताका बंधनवार सर्वत्र लहराती थी, केले के पत्ते व लताओं की शोभा अपार थी, कोई फूल बरसा रहे थे तो कोई धन, कोई आभूषण और कोई लड्डू लुटा रहे थे। और उस समय महान उत्सव की लीला को देखकर आनंद का समुद्र उमड़ चला, पृथ्वी और सूर्य सहित सारा संसार प्रेम में ही स्तब्ध सा हो रहा था। संध्या समय विशाल सभा लगी, अपार जन समूह था वहाँ, शिष्यों के सहित आचार्य भगवान विराजमान हुए, जैसे 12 सूर्यों के बीच में विष्णु भगवान शोभित हों, ऐसे महाराज द्वादश महाभागवत और हजारों शिष्यों के बीच में गुरुदेव भगवान, जैसे चकोर चंद्रमा को निहार, ऐसे सब गुरुदेव भगवान के मुखारविंद का दर्शन करते थे। आचार्य भगवान ने उपदेश दिया कि हे सज्जनों, आप लोगों ने जैसे आज श्री रामनवमी का उत्सव मनाया है, ऐसा ही प्रतिवर्ष मनाते रहना। श्री राम जी पूर्ण ब्रह्म हैं, परमात्मा ईश्वर हैं, सब अवतारों के अवतारी हैं, अर्थात सबके कारण हैं, शरणागतों को सुख देने वाले तथा संसार से मुक्ति देने वाले हैं। मत्स्य, कूर्म, वारा, नृसिंह, वामन, परशुराम, वासुदेव, बुद्ध, कल्कि, ये महाराज
भगवान के ही स्वरूप हैं, गुरुदेव ने कहा, परंतु राम जी स्वयं पूर्ण ब्रह्म हैं। ऐसे प्रभु सच्चिदानंद परात्पर भगवान श्री राम जी को इष्ट बनाकर उनका ही तैल धारा के समान अखंड ध्यान और नाम जप सदा करते रहो। उस सभा में श्री पीपा जी का एक मंत्री जो कि राम जी का भक्त था, वो कहने लगा, हे नाथ, हमारा मन बड़ा चंचल है। मेरे ध्यान में श्री राम जी टिकते नहीं हैं, तो कैसे अखंड ध्यान करूं? थोड़ा ध्यान होता है, टिकाव कम होता है। तब आचार्य भगवान ने कहा, इसका भी रहस्य सुनो। इस जीव रूपी राजा का अभिमान रूपी प्रधानमंत्री है और अभिमान जो प्रधानमंत्री है जीव रूपी राजा का, और सेना है उसकी इंद्रियां। जीव राजा है, अभिमान प्रधानमंत्री उसका, और इंद्रियां जो हैं सेना है। जो भी जीव कल्याण चाहता है तो जीव के मंत्री और सैनिक जो हैं उनसे थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। वो है कपटी, सब मिल के राजा को दबा कर स्वयं स्वामी बनाना चाहते हैं, महाराज संसार के अज्ञान में डालना चाहते हैं, अभिमान और जो इंद्रियां हैं उनके विषय हैं। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं सावधान रहना चाहिए। श्री रामानंदाचार्य भगवान ने कहा कि वो दांव खोजते रहते हैं, अवसर खोजते हैं, ये सब कमजोर करके राजा के पैरों में वासना की बेड़ी डालकर दुर्गत करते हैं। ये मन के सहित 11 दुष्ट हैं जो सदा ही दुख देते रहते हैं। जब कभी इस जीव रूपी राजा को सच्चे संतों का संग मिल जाता है तब सब संकट मिट जाता है, और सेना के सहित सब मंत्री भी अनुकूल हो जाते हैं। और जब गुरुदेव की कृपा पूर्ण रूप से हो जाए तो ये सब राजद्रोही कुटिलता त्याग कर सात्विक हो जाते हैं, और चंचलता तभी इनकी छूटती है जब गुरुदेव प्रभु के नाम मंत्र की दीक्षा देते हैं। और गुरुदेव से प्राप्त मंत्र के जप से भक्ति का वृक्ष उत्पन्न हो जाता है, और ये वृक्ष चारों फल देता है, सब ताप शांत कर देता है। कलयुग में यही सर्वोत्तम उपाय है। भगवान के दर्शनार्थ नाम से बढ़कर, प्रभु के स्मरण से बढ़कर कोई साधन नहीं है। नाम जप करे वो प्रभु को स्मरण करे, श्री राम मंत्र जप हो और गुरुदेव की दया हो तो सब मन का मैल और माया का जाल नष्ट हो जाए। जिन्होंने बहुत स्थानों में मन लगा रखा है, जगह जगह मन को बिखेर रखा है, उनको सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जब मन केवल गुरुदेव के चरणों में प्रेम पूर्वक लग जाए तब स्थिर होकर के श्री राम जी के रूप का आनंद अनुभव कर सकेगा। पर बिना सत्संग के ऐसी बुद्धि नहीं होती है, इसलिए सबको चाहिए कि संतों का सत्संग प्राप्त करे, भक्त भगवंत चरित्र उनका संग प्राप्त करके उनके चरणों की सेवा करे। जैसे पारस छूते ही लोहे को कंचन बना देता है, वैसे ही संत जन अर्थात भगवान के भक्त जन जगत से पार करके जीव को निर्भय बना देते हैं और अनूठी भक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे अनुभव से युक्त हितकर उपदेश गुरुदेव भगवान सुनाते थे कि राजा पीपा और सब
भक्त बिन बहुत आनंदित होते थे, नित्य आनंद उमड़ता था। मेघ जैसे अमृत धारा बरसाएं, ऐसे भक्ति रस की वर्षा होती थी। संतों के मन में बड़ा हर्ष था, वहां भक्ति रूपी फुलवाड़ी प्रफुल्लित हो रही थी। श्री राम नवमी के एक महीने बाद वैशाख शुक्ल नवमी को जानकी जी का जन्मदिन आया। उस दिन भी श्री पीपा जी ने बड़ा भारी महोत्सव किया। जैसे पहले श्री रामनवमी का उत्सव हुआ था, उससे भी ज़्यादा उत्साह फिर देखने में आया भक्तों। सारा संत समाज बहुत ही आनंदित हो रहा था। और सीता जी के जन्म के गीत बहुत प्यार से गाए जा रहे थे। गाते हुए संत वृंद चारों ओर मग्न होकर के नाचते थे, गुलाल उड़ाते थे। कोई केसर रंग भर करके पिचकारी चलाते, कोई किसी के मुख में दही लगाकर हास्य करते। भगवान शंकर जी इस उत्सव को देखने आए। ये बात मैं आपको गागरौन गढ़ की सुना रहा हूँ भक्तों। वहाँ शिव जी देखने के लिए आए और छिप करके सब लीला करते रहे। गुरुदेव देख करके हंसते थे कि शिव जी आ गए। जैसा त्रेता में उत्सव था, वैसे ही फिर देख करके सब जो संत लोग थे, जैसे द्वादश महाभागवत और गुरुदेव भगवान, ये सबको दर्शन हो रहे थे, हंस रहे थे, आनंदित होकर नृत्य करने लगे सब संत लोग। उसके बाद सभा लगी, फिर उच्च सिंहासन पर आचार्य भगवान को विराजमान कराया गया। पीपा जी प्रणाम करके बोले, हे नाथ, ऐसा अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ कि मैं अपनी वाणी से कह नहीं सकता। हे गुरुदेव, आप जगत के जाल का हरण करने वाले हैं, आप कृपा करके माता जानकी जी की कुछ महिमा सुनाने की कृपा करें। मैं तो ये प्रार्थना किया है पीपा जी ने कि जानकी नवमी है गुरुदेव भगवान, तो जानकी जी की कुछ महिमा, माता जानकी की महिमा सुनाने की कृपा करें। तो भक्तों, गुरुदेव भगवान ने पीपा जी की भक्ति देखकर जानकी माता की महिमा सुनाई है, किंतु आप उसे कल श्रवण करेंगे। आज इन सब संतों को गुरुदेव भगवान के साथ साथ नमन कर रहा हूँ और वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय।